आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की मशाल के साथ आज विलीन कर दिया गया। अमर जवान ज्योति की लपटों वाली मशाल को पूर्ण सैन्य परंपरा के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के साथ मिला दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति अब नहीं जलेगी। शुक्रवार को अमर जवान ज्योति की मशाल का नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में विलय करा दिया गया। पूरे सैन्य रिवाजों से इस कार्यक्रम को पूरा किया गया। सेना के अधिकारियों और जवानों ने पहले अमर जवान ज्योति पर जवानों को श्रद्धांजलि दी, इसके बाद मशाल को नेशनल वॉर मेमोरियल की ओर ले जाया गया। नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर यह कार्यक्रम 3:30 बजे करीब शुरू हुआ। दोनों स्थानों के बीच 400 मीटर की दूरी है, लिहाजा इसमें ज्यादा देर नहीं लगी। अमर जवान ज्योति को मशाल वाहक द्वारा नेशनल वॉर मेमोरियल ले जाया गया। मार्च पास्ट के साथ अमर जवान ज्योति को स्मारक की ओर ले जाया गया। इसे देश के रणबांकुरों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता के नए सम्मान के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी जो 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए थे। इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी और बांग्लादेश का गठन हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। वहीं अब इसका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय किया गया है, जो कि इंडिया गेट की दूसरी तरफ केवल 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था, जहां पर 25,942 सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। वहीं कांग्रेस ने अमर जवान ज्योति के विलय किए जाने के विषय में गंभीर आरोप लगाया कि यह कदम सैनिकों के बलिदान के इतिहास को मिटाने की तरह है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलाई गई थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते। कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति को एक बार फिर से जलाएंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पर ट्वीट कर कहा, अमर जवान ज्योति के संदर्भ में कई तरह की गलत सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। सही बात यह है कि अमर जवान ज्योति की लौ को बुझाया नहीं जा रहा है, इसे राष्ट्रीय स्मारक की लौ के साथ मिलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं गौतम शर्मा, प्राइम टीवी न्यूज दिल्ली। जैसे कि आपको पता होगा कि अमर जवान ज्योति हमेशा के लिए आज बुझा दी गई है और उसे वार मेमोरियल ज्योति के साथ मिला दिया गया है, क्योंकि उनका अधिकारियों का कहना है कि वहाँ पर वार मेमोरियल के अंदर एक जवानों के लिए एक पहले से ही ज्योति जल रही है कि दो ज्योतियों पे खर्चा किस बात का करना। और इसके अंदर क्या है कि नेशनल वार म्यूजियम में 4 चक्र की लेयर बनाई गई है, जिसके अंदर के चक्र में अमर चक्र है, जिसमें 15.5 मीटर का स्मारक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति जल रही है। दूसरी लेयर के अंदर वीरता चक्र है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी द्वारा लड़ेगी 6 अहम लड़ाइयों को बताया गया है। और तीसरे लेयर त्याग चक्र है, जो शहीद सैनिकों के नाम पर है जिन्हें देश में अपनी जान की कुर्बानियां दी थी। सुरक्षा चक्र के अंदर 695 पेड़ लगाए गए हैं जो शहीदों के स्तंभ की तरह बनाए गए हैं। मैं गौतम शर्मा, दिल्ली से। और इसी के साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।